गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंज्यूमर वॉइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन लाइव नहीं हो रहा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है एंड मेजर प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड आई अपलोड इट। इट इज़ नॉट लाइव बट इट इज़ एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर। सो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, मोस्टली कंज्यूमर्स की शिकायत क्या होती है कि जब भी हम मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस फाइल करते हैं कोर्ट में, तो डॉक्टर्स के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी उनको डिफेंड करने के लिए आती हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक कंज्यूमर जो ऑलरेडी एक डॉक्टर इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द सोसाइटी है, उसके विरुद्ध केस डालने से पहले उसको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंश्योरेंस कंपनी भी उसके डिफेंस में आ जाती है तो कंज्यूमर नेचुरली घबरा जाता है। तो हम इस इशू को पीछे कर ले जाएंगे, इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि ये इशू 1996 में भी सामने आया था और जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश कोर्ट्स ने की थी। तो क्या वो इशू था? 1995 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जिसके तहत ये डिसाइड हो गया था कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश्ड ये अदालतें, कंज्यूमर उपभोक्ता अदालतें सुन सकेगी। ये तय होने के बाद एक ऐसा मैटर था जिसमें 19 इयर्स ओल्ड एक यंग टैलेंटेड बॉय था, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाकर उसको ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया गया। वो एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया जो कि इस एज के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए था, और उस एनेस्थीसिया की एक्सेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद फादर ने कंज्यूमर फोरम में अपना केस डाला। केस डालने के बाद पर इंश्योरेंस कंपनीज की पूरी टीम आ गई और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको डिफेंड किया, कई टेक्निकल इश्यूज लगा दिए। अल्टीमेटली फादर परेशान हो गए और उन्होंने आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर ली। तो ये केस बहुत चर्चा में आया और सबके सामने ये एक प्रश्न था कि क्या डॉक्टर्स को डिफेंड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इस फोर्स के साथ आना चाहिए, और कंज्यूमर बेचारा अकेला यदि नहीं लड़ सकता दो बिग जॉइंट के साथ तो उसका हश्र ये होता है। इसके बाद एक केस इसी तरह का पहुंचा स्टेट कमीशन मध्य प्रदेश में। उसमें भी डॉक्टर्स तो सामने आए ही नहीं, उन्होंने अपना केस डिफेंड ही नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। इंश्योरेंस कंपनी की प्रेजेंस को देखकर स्टेट कमीशन का ये मानना था कि हमको तो आपसे कुछ भी पूछना नहीं है, यदि इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी है देने के लिए तो वो सब हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर्स के अगेंस्ट जितना मटेरियल है, हम इंश्योरेंस कंपनी को सुने बिना भी मेडिकल नेग्लिजेंस केस को डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हम पार्टी नहीं बनने देंगे। ये स्टेट कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का ये ऑर्डर था, 2002 का ये केस था। गुरुदत्तापुरी हॉस्पिटल लिथोट्रिप्सी सेंटर वर्सेस नुसरत, 2002 का ये केस था। इस केस में क्लियरली स्टेट कमीशन ने कहा, मैं आप पढ़ देती हूँ जो उन्होंने कहा, द केस कैन बी डेल्ट एंड डिसाइडेड विदाउट द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज विद द रिकॉर्ड्स अवेलेबल, विद द आइडिया दैट इफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ब्रॉट इन द पिक्चर द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी एडवर्स फॉर द कंज्यूमर्स, कॉजिंग मोर डिले एंड हरासमेंट बाई टू बिग जॉइंट्स डॉक्टर्स, टू मैनी ऑल्सो टेक द थिंग्स इजी इफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मीनिंग दैट बाय कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाने देते हैं तो ये एक तरह से कंज्यूमर्स के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश जैसी हो जाएगी और उनको दो बिग जॉइंट के साथ लड़ना पड़ेगा, और इसमें डॉक्टर्स भी अपने केस को बड़ा एट ईज लेंगे, बड़ा इजीली लेंगे कि क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी फाइट कर लेगी ऑन बिहाफ ऑफ दैट। तो स्टेट कमीशन ने डॉक्टर्स के विरुद्ध
नेग्लिजेंस का केस माना और एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। ये तो स्टेट कमीशन मध्य प्रदेश का ऑर्डर ऑलरेडी था। उसके बाद नेशनल कमीशन में भी दो और केसेस रिवीजन पिटीशन में आए। वो दोनों केसेस थे पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्वेशन कमीशन से आए थे ये केसेस। केस था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हरदीप सिंह एंड अदर्स। रिवीजन पिटीशन थी 2640 और 2648 ऑफ 2002। ये दो रिवीजन पिटीशन फिर नेशनल कमीशन के सामने आई इसी इशू को लेकर, वेदर इंश्योरेंस कंपनी शुड बी मेड द पार्टी टू द प्लीडिंग्स डिफेंडिंग विद द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को डिफेंड करने में क्या इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनने देना चाहिए। ये केस बड़े डिटेल में सुने गए और नेशनल कमीशन ने ये सोचकर कि अगर आज इनको पार्टी नहीं बनने देते और केस डॉक्टर्स के अगेंस्ट होता है तो डॉक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट केस करेंगे कि देखिए आप हमें इंडेमनीफाई नहीं कर रहे तो आप हमें इंडेमनीफाई करिए। यदि इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है ये कहकर हमें तो पता नहीं आपका क्या केस था और हमने तो आपको फाइट करते हुए देखा भी नहीं, आपने किस तरह से अपने केस को डिफेंड किया, ये सारे तर्क इंश्योरेंस कंपनी ला सकती है बाद में। इसलिए नेशनल कमीशन का ये मानना था कि हम इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनने से मना नहीं करते, किंतु नेशनल कमीशन ने कुछ गाइडलाइन सेट कर दी कि इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट टू डिफेंड द डॉक्टर। डॉक्टर को अपने नेग्लिजेंस के केस को खुद लड़ना होगा मैरिट पे। मैरिट पे इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम डॉक्टर वाज ट्रीटिंग द पेशेंट। वेरी फंडामेंटल फैक्ट यही है। जब उनको पता नहीं है तो वो डिफेंड क्यों करेंगे। मैरिट पे इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कहेगी। कंपनी इंश्योरेंस कंपनी केवल और केवल पार्टी इसलिए बनने दी जाएगी कि वो ये जांच ले कि उनकी इंश्योरेंस इंटैक्ट है, प्रीमियम पे हो गया है, जिस पीरियड तक इंश्योरेंस दे आर प्रॉपरली इंश्योर्ड और बाकी सारी चीजें टेक्निकल ठीक ठाक है। और साथ में वो वॉच कर सकते हैं प्लीडिंग को कि इंश्योरेंस केस इस मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में डॉक्टर्स ने किस हद तक अपने को डिफेंड करने की कोशिश की और फिर यदि उनके अगेंस्ट ऑर्डर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकती है कि हम प्रेजेंट थे, इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की अपने को, पूरी प्लीडिंग में पार्टिसिपेट किया डॉक्टर ने और अब हम इनको इंडेमनीफाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, केस आगे नहीं लटकेगा। इंश्योरेंस कंपनी ये रिजेक्ट करती है तो इट इज द हेडेक ऑफ द डॉक्टर कि वो अगर रिजेक्ट हो गया तो जो भी पेमेंट करनी होगी डॉक्टर करेगा। फिर वो दूसरी बार अपील में नहीं जा सकेंगे और कंज्यूमर्स के लिए और एक और प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो आगे से आगे चलता जाए और डिले हो। तो इसके लिए नेशनल कमीशन ने इन दोनों केसेस के दोनों रिवीजन के पिटीशंस को डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर अपनी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया कि इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनने देना चाहिए। तो अब क्या है फ्रेंड्स, देखने की बात यह है कि यदि इंश्योरेंस कंपनी आती है तो कंज्यूमर को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिफेंड तो डॉक्टर को मेरिट पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी उनका साथ नहीं दे रही है, केवल वॉच कर रही है और वो कोई भी डिफेंस में उनकी रिटर्न स्टेटमेंट में यदि कहीं भी ये आता है कि डॉक्टर ने ये नहीं किया या कोई डिनाय करते हैं तो वो गलत होगा। उस WS की उन टर्म्स को कोर्ट कंसीडर करेगा ही नहीं और इंश्योरेंस कंपनी को केवल और केवल ये कहना है कि इसके बारे में हमें नहीं पता किंतु इंश्योरेंस इस दिन से इस दिन तक की थी और प्रीमियम पे था, इट इज इंटैक्ट एंड इन केस डॉक्टर लूजेस द केस वी विल इंडेमनीफाई द लॉस व्हाट एवर कंपनसेशन इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो ये एक बहुत बढ़िया केस था और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर इसको कन्फर्म किया और उन गाइडलाइंस को मोहर लगा दी। तो अब जो स्थिति है कोर्ट में, अगर इंश्योरेंस कंपनी आती है घबराने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी बन जाना बेहतर होगा और वो डिफेंड नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ लीजिए कि क्यों और कैसे इंश्योरेंस कंपनीज को अब कोर्ट एंटरटेन करता है।
पार्टी बनने देता है और पार्टी बनने से उनको मना नहीं करता। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे 11 बजे आपके पास इसी तरह का मेडिको इंश्योरेंस के केस को लेकर ही चलेंगे। हम दूसरा एक सब्जेक्ट लेंगे इसी विषय पर, जिसकी सूचना आपको पहले दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।